हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए, आज मेरा एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो अगर आपने जून के महीने में कटिंग्स नहीं लगाई थी तो अभी मॉनसून स्टार्ट है ऑलमोस्ट, सो कटिंग लगाइए। तो ऐसे प्लांट्स की कटिंग्स मैं शेयर कर रही हूँ जो 20 साल तक आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट होंगे, और सभी प्लांट्स जो हैं फ्लावर्स वाले प्लांट होंगे ऑलमोस्ट। तो अभी लगा लीजिएगा। सबसे पहले तो जो मैं खूबसूरत प्लांट आपको दिखा रही हूँ, ये लेंटाना का है। इसकी कटिंग लग जाती है इजीली। अगर आप नर्सरी में जा रहे हैं तो कटिंग नहीं लगाना चाहते तो वहाँ से भी ये प्लांट लेकर के आ सकते हैं। तो अभी लगाइए इस प्लांट को, 101% इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आप अभी इसकी कटिंग जो है लगा सकते हैं। ये है चांदनी, छोटी चांदनी जिसे कहते हैं, व्हील पिन प्लांट है। ये प्लांट आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत भी करता है। इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। ये तीन वैरायटीज़ में आती हैं, वेरीगेटेड, छोटे वाली और डबल चांदनी। आप इसकी कटिंग अभी लगा सकते हैं। तो ये है जट्रोफा का प्लांट। अगर आपने एक बार इसका जो है प्लांट ऐड कर लिया, इसकी कटिंग 101% चलने वाली होती है और इसके सीड से न्यू प्लांट अपने आप तैयार हो जाते हैं और बहुत प्यारे इसके फूल होते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप लगाइएगा। ये जो है हमारा कनेर, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो अभी लगाइएगा इन प्लांट्स की कटिंग। क्रिसैंथेमम एक ऐसा प्लांट है जो विंटर्स में खूब सारे प्लांट्स आपको फूल देते हैं और खूब सारे प्लांट भी आप बना सकते हैं। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और कटिंग भी, अभी सही मौसम है इसका, तो कटिंग भी अभी इसकी लगा लीजिएगा। बहुत अच्छे से ये प्लांट चलता है। तो ये वाला जो प्लांट है इसको आप लगाइएगा। तीन कलर होते हैं इसके, तो मैक्सिकन पिटूनिया, पिंक वाइट और पर्पल में आते हैं ये कलर। तीनों खूबसूरत होते हैं और कटिंग से लगने वाले हाइब्रिड वाला है। इसके अंदर देसी वाला जो पर्पल आता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इनकी कटिंग इजीली चल जाती है और फुल सन में रहने वाला प्लांट और कटिंग से तैयार हो जाने वाला प्लांट है। तो ये वडेलिया है, वैसे तो आप हैंगिंग में लगा सकते हैं इसकी, और या फिर नीचे ग्राउंड सोइल को कवर करना हो उसे इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस प्लांट की छोटी सी कटिंग अगर आप लगा लेते हैं तो इसके खूबसूरत येलो कलर के फूल हैं, ये लगा लीजिएगा। तो ये हमारा है कनेर का प्लांट। कनेर जो है सीड से तैयार हो जाता है और कटिंग से भी, ये दोनों तरह से आपका प्लांट तैयार हो जाता है। इसकी कटिंग भी आप अभी जुलाई महीने में लगा सकते हैं। जुलाई के स्टार्टिंग में ये कटिंग्स जो लगा लेते हैं तो सारा साल आपको फूल देने वाले प्लांट है। तो ये वाला जो हमारा है देसी वाला घुड़ल है, आप इसे भी लगाइएगा। तो अगर आपने चांदनी प्लांट को ऐड नहीं किया, डबल चांदनी है और ब्यूटीफुल से वाइट फ्लावर होते हैं, तो इसकी कटिंग भी आप लगाइए, इजीली चलने वाला प्लांट है। तो ये प्लांट एक बार आपने ऐड कर लिया तो काफ़ी साल तक फ्लावरिंग तो देता ही है, तो बहुत सारे प्लांट भी और बन जाते हैं। तो अगला ये प्लांट है चंपा का प्लूमेरिया, वाइट कलर के फूल आते हैं। तो ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी और ये इसका मदर प्लांट है। कटिंग ज़्यादा हेल्दी पत्ते हो गए हैं इसके और बहुत अच्छे से चल जाती है ये कटिंग। आप इसे लगाइएगा, ये इजीली चलने वाला कटिंग से प्लांट है, बहुत साल तक फूल देता है। तो ये हमारा है बहुत ही लकी प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में लगाइएगा। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप पारिजात प्लांट है पारिजात को ऐड कर सकते हैं। इसके सीड्स भी होते हैं, सीड से भी ये प्लांट आपका लग जाता है और रबी सर्दियों में बहुत सारे फूल देगा। तो ये हमारा है बोगनविला, बहुत सारे कलर्स आते हैं, वाइट, येलो और पिंक कलर में। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये प्लांट इतना इजीली ग्रो हो जाता है, बस कटिंग एक बार पेंसिल कार की कटिंग से लेकर के ला दीजिएगा इसे, तो बहुत अच्छे से ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहेगा और खूब सारे इसके फ्लावर होते हैं और शिफ्ट में फ्लावर आते हैं, दो तीन बार, एक बार झड़ जाएँ तो फिर से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा
प्लांट है, मैंने अभी इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, जैस्मिन का प्लांट है और आप इसे लगाइए, बहुत सारे फूल और फ्रेग्रेंट प्लांट है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से कलियां आती हैं, तो आप इसे भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में, खूब फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो ये हमारा परमानेंट प्लांट है डैंथस का, इसकी कटिंग या सीड लगा लीजिएगा, ये पूरा साल फूल देता है। अभी गर्मियों में भी ये खूब फ्लावरिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं बचता है तो फिर विंटर्स में आप इसको लेकर के आ सकते हैं, और 5-10 रुपए में छोटा प्लांट आपका जो है आ जाएगा, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग भी ईजीली ग्रो हो जाती है और सीड से भी ग्रो हो जाता है, तो इसकी कटिंग अभी लगा लें। तो नेक्स्ट हमारा ये है रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट वैसे तो देसी प्लांट की कटिंग भी अच्छे से चल जाती है, तो अगर आप इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी लगाना चाहो तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, इसकी कटिंग जो है चल जाती है और फ्लावरिंग का साइज़ थोड़ा सा छोटा रह जाता है, लेकिन कलर आपको यही मिल जाएगा। तो इसकी भी आप अपने गार्डन में कटिंग से बहुत सारे खूबसूरत प्लांट, फ्लावर वाला खूबसूरत सा फूल होता है, तो इसकी भी आप कटिंग लगा लीजिएगा। तो ये हमारा है हाइब्रिड घुड़ल का प्लांट है, इसके अंदर तो बहुत सारे फ्लावर आते हैं, तो इसकी कटिंग आप अभी लगा लें। अगर मौसम जो है बरसातों का है तो बहुत सारी कटिंग चल जाती है। ट्रेनियम को भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, बहुत सारे पर्पल कलर के इसके फूल आते हैं। तो यूफोबिया मिली है, यूफोबिया मिली को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दो कलर आते हैं इसके अंदर भी, वाइट कलर थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, और ये पिंक वाला तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी पत्तियां जड़ जाती हैं, फूल बहुत सारे रह जाते हैं, तो आप इसकी कटिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं मैंने कटिंग के थ्रू आपको बताए, 101% चलने वाले प्लांट हैं, अभी लगाएं और सालों साल चलते हैं ये प्लांट, और अभी आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कलर्स में आता है, कलेंचो का, कैलेनकुई, तो इनकी कटिंग भी आप अभी लगाएं ताकि आपको विंटर्स में बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप भी लगाइए, बहुत सारे प्लांट फ्री में बन जाएंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।